दोस्तों आज मैं जा रहा हूं दुनिया के सबसे ऊंचे महादेव के मंदिर में, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, उत्तराखंड के टुंगला मंदिर पे। देखो कितना खड़ा पहाड़ है। अरे मैं तो जिंदा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। आज मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट टेंपल तुंगनाथ, जो कि पहाड़ी पे 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो अभी मैं पूरा रेडी हो गया, सूज में इतने सारे कपड़े पहन के, यहीं पे इतना ठंडा हो रहा है, पता नहीं वहाँ तो कितना ठंडा हो रहा होगा, क्योंकि हिमालय में है वो, हर जगह बर्फ़ ही होगी। पूरा सामान रेडी हो गया है, अपनी गाड़ी भी रेडी है, यहाँ पे अपने झोले में सब गर्म कपड़े टॉवल वगैरह है। अभी ना ऑलमोस्ट 7:30 हो गए और गूगल मैप पे मेरे को अभी ये दिखा रहा है कि 8.5 घंटे का लगातार ड्राइव अगर हम करेंगे यहाँ से, तब जाके हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां पे टुमना। बाप रे, वैसे एक्साइटमेंट के चक्कर में ना दोस्तों मुझे कल्ला नींद ही नहीं आया। कि आप लोग के साथ भी ऐसी होता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार मैं अपने लॉन्ग ट्रिप में जा रहा हूँ और वो भी टुमनाथ, तो बहुत खुश हूँ मैं आज। और उससे थोड़ी पास में वैसे केदारनाथ भी है, बट आई थिंक आजकल वहाँ के द्वार खुले नहीं है, तो अभी कुछ पता नहीं वहाँ जाऊँगा या फिर नहीं, बट फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं टुमनाथ के लिए। लेट्स गो। सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन अभी सही हो गया मौसम। गाइस वैसे ना मैप पे तो 8.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, बट 9.5 घंटे हम मान के चलते, क्योंकि रुक रुक के जाएंगे ना, कंटिन्यूस जाना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं यार, वहाँ पे तो बर्फ हो रही, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। चलो चलते हैं अभी यहाँ से। बिग फैन ब्रो। हेलो ब्रो, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं भाई? जा रहा हूँ भाई टुमनाथ जा रहा हूँ। मेरे को भी ले चल। क्यों? शिव जी के धाम जा रहे हैं, ले चलो साथ में। पक्का चलना है? यस, व्हाई नॉट। ओके चलो फिर आ जाओ भाई। आदमी सच्ची चप्पल में ही चला है भाई तू, वहाँ बहुत ठंडा होगा। गाइस अपना दोस्त है, हम लोग मजाक कर रहे थे, अभी अकेले तो जाएंगे नहीं ना इतने दूर, तो साथ में जाएंगे भाई। तो दोस्तों अभी मैं भवाली वाले रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से शॉर्ट पड़ रहा है। शॉर्ट होने के बावजूद 8.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। पेट्रोल पंप भी आ गया है, पता नहीं इस रास्ते में आके पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, क्योंकि पूरा पहाड़ों का रास्ता होने वाला है। वैसे तो पूरा 50 लीटर का टैंक है, देखते हैं कितना अभी आता है इसमें। ओके 36 लीटर आ गया। चलो गाइज, वैसे देखो मैं भी आज लोअर पर आया हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप है पहाड़ों का, तो जितना कंफर्टेबल होगा उतना बढ़िया है। अब बस आगे नाश्ते के लिए रुकेंगे कहीं पे, क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया सुबह सुबह। तो दोस्तों अभी पहुँच गए हैं केची धाम, नीम करोली बाबा वाला मंदिर। देखो यहाँ पे सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये सुबह का ट्रैफिक है, पहले से इतना ट्रैफिक नहीं होता था कभी भी। अभी हाल ही में यहाँ 2 महीने पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए हुए थे, और स्टीव जॉब्स जो एप्पल के, जिससे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना आईफोन से, उसका मालिक भी यहाँ पर आया हुआ था। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का, वो भी इस मंदिर पर आया था दर्शन के लिए। तो बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल भी यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। अरे हट जा भाई, बीच रोड में कहाँ चल रहा है? चलो गाइस यहाँ पे ना पहले हम रुक जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यूस चलेंगे। गाड़ी भी धुल गई, चलो नाइस। वैसे आलू का पराठा खाते हैं और निकलते हैं। वैसे यार कैलाश पर्वत जा रहे हैं, यकीन ही नहीं हो रहा है, बताओ। अरे चलना नहीं है क्या? चल अरे चलो चलो। दोस्तों अभी हमने लगभग 130 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया। वैसे थकाई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, हमारे वहाँ पे कितनी बारिश हो रही थी और यहाँ पे लग रहा है कि इतनी तेज धूप आ रही है, बारिश ही नहीं हुई है। कि बस हम जहाँ जा रहे हैं ना कैलाश पर्वत में, वहाँ हमको बर्फ देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बाप रे, इतनी सारी बकरियां पाली है और सारी की सारी काली बकरियां है। अरे दादा रे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतनी सारी काली बकरियां एक साथ। दोस्तों अभी मुझको ड्राइव करते करते ऑलमोस्ट 5 बज गए, अब जाके मुझे यहाँ पे कैलाश पर्वत दिखा है, इसका मतलब हम लोग बहुत नजदीक। वैसे कुछ भी कह रहे, अपनी हैरियर भी बहुत
मस्त है, अपनी जान अपनी बेबी है यार। मतलब इतने लंबे टूर में हम आ गए हैं और अभी तक बिल्कुल भी मुझे थकान नहीं हुई यार। अब पता नहीं, हो सकता मुझे एक्साइटमेंट की वजह से हो रही हो। कंफर्टेबल तो है गाड़ी, पर मुझे लगता है ना गाइस अभी हम लोग तुंगनाथ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते तो लगभग तो रात ही हो जाएगी। तो एक काम करेंगे ना, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे वहाँ पर ट्रैक पे, इतना बहुत मज़ा आएगा। आज फिलहाल सोच रहे हैं कि मंदिर है वहाँ पर विजिट करके देख लेते हैं। आओ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए मट्ठू मठ में। तुंगनाथ का जो मंदिर है ना, वो सिर्फ 6 महीने वहाँ पे रहता है। विंटर्स में वो लोग शिफ्ट कर देते हैं मंदिर को यहाँ पर। तो अभी हम यहीं पे आ गए क्योंकि अभी इतनी शाम को तो हम ट्रैक कर नहीं सकते हैं, 5:30 बज गए अभी। तो कल सवेरे सवेरे निकलते हैं वहाँ पे, बट उससे पहले आज हम मंदिर के दर्शन जरूर कर सकते हैं। इस गांव की इतनी सुकून भरी वाइब्स आ रही है ना दोस्तों, इन बच्चों को देखो, सब मिलकर खेल रहे हैं बिना मोबाइल की ज़िंदगी, बचपन में जैसे हम लोग भी खेला करते थे। ओके तो गाइस लगता है अब हम लोग पहुंच गए मंदिर में। ये अपने जूते यहीं पे उतार देते हैं। मंदिर तो यहाँ पे भी बंद है अभी, वैसे तो दरवाजे बंद है, बट शायद यहाँ जो गांव के लोकल के लोग हैं उनमें से एक भैया ने अभी यहाँ के दरवाजे खोले तो दर्शन हो गया यार। बहुत अच्छा लग रहा है। बोले थे कि गर्मियों में वो लोग शिफ्ट करते हैं, तो अभी एक दो महीने बाद दोबारा से तुंगनाथ में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर गाइस जितने भी कुत्ते हैं ना, कोई भी काटने वाला नहीं है, सबको सब पूछ ला रहे हैं, सब दोस्ती कर रहे हैं। ये देखो ये भी आ गया दोस्ती करने के लिए। ओफो दोस्तों मेरे फैंस मुझे जाने नहीं दे रहे, तो हमने सोचा चलो उनको जाते वक्त एक पाली जी का बिस्किट खिला देते हैं। चलो यार गाइस अब चलते हैं सीधे चोपटा के लिए। भैया कह रहे कि वहाँ पे 3 फीट बर्फ गिरी है बारिश की वजह से अंदर। वैसे मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगा, कैमरा वैसे वहाँ पे अलाउड नहीं है बट बहुत अच्छा लगा। ओके अंकल चलते हैं, ऊपर जा रहे हैं चोपटा। हाँ चोपटा जाते हैं अब। और सुबह घर से निकले थे, अभी पूरी रात होने वाली है और अभी तक हम लोग अपने तुंगनाथ वाली लोकेशन पे नहीं पहुँचे। दोस्तों अभी 8 बजने वाले हैं, कमरा भी मिल गया, अभी आपको दिखाऊंगा। वहाँ गए यहाँ पे डिनर करने के लिए, देखते कैसा खाना बनाओ। भाई ये सर में क्या पहन लिया? हाँ दोस्तों पनीर आ गई है और ये मिक्स वेज और रोटी। अब करते हैं भोजन शुरू, बहुत भूख लगी है सुबह से, बस एक ही बार खाया मैंने। चलो दोस्तों खाना पीना हो गया है, अब सामान लेके चलते हैं होटल पे। गाड़ी को यहीं पर लॉक कर देते हैं। दोस्तों कल हमारा यहीं पे ट्रैक है तुंगनाथ का, यहीं से पूरे ऊपर जाना है पैदल। अब मस्त करके सो जाते हैं, कल से मैं निकल रहा है ट्रैक पे यार। ऊपर बहुत बर्फ पड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस अभी चेकआउट करते हैं। सो उसमें नीचे भैया को चाबी दे देते हैं, सामान बोरा बिस्तर सब बांध लिया है, हल्का हल्का मुंह धुलाई भी कर दी है। देखो पूरी गाड़ी में ना ऊपर से बर्फ गिर गई, वो भी देखेंगे अभी, पूरी वाइट परत जम गई है। निकलते हैं ट्रैक पे, भाई इतना सुंदर हो गया ना। मतलब रात को हम लोगों ने देखा था कि पूरा ग्रीन था, क्योंकि बर्फ ही नहीं पड़ी थी, और जैसे सुबह उठ कर देखा हर जगह वाइट हो गया। तो चलो यार फटाफट चेकआउट करते हैं, मज़ा आएगा। सो गाइस दिस इज चोपटा। बस गाइस इतना ही लिख सकता हूँ, ठंडा बहुत है, बाकी आप लोग समझ जाओ। इतनी ज़्यादा बर्फ गिर गई यार, ऊपर से पूरी वाइट हो गई हमारी काली से। ओ ये तो रुई जैसी है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे हाथ जम गए। बंद कर यार। तो दोस्तों वी आर रेडी फॉर द ट्रैक, और अब तो धूप भी आ गई है। हर हर महादेव। 3 घंटे का ट्रैक है, तो रात को ना यहाँ पे तापमान माइनस में चले गया था, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है ऑफ सीजन में भी। अब धूप आने के बाद वैसे टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया, उतना ठंडा नहीं लग रहा है। वैसे डंडे की ज़रूरत थी तो नहीं, बट हो सकता कि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो तो इसलिए ले ली। आधे घंटे चलने के बाद ही सामने भाई हिमालयन व्यू आ गया, इतना खतरनाक। ऐसा नज़ारा देखने के बाद किसको थकान लग सकती है। देखो गाइस कल हमको लेट हो गई थी इसलिए हम यहाँ पे नहीं आए थे, अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं आ पाए, क्योंकि कल बर्फ़ नहीं पड़ी थी, कल रात ही बर्फ़ पड़ी। अभी यानी कि यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल रहा है। ओ गाइस अंकल के पूजे में मज़ा आ गया। अरे शर्म आ गई सर अंकल को, अंकल वाला पोज मुझे भी मारने का मन कर रहा है। चलो यार गाइस अंकल वाला पोज मैं भी करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारे लोग के सामने कैसे लेटे थे अंकल ऐसे,
वाह क्या बात है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों को, और हो भी क्यों ना यार, बर्फ देख के कौन खुश होता है, साल में बस एक बार तो मौका मिलता है देखने के लिए, और वो भी सिर्फ नसीब वालों को। चलो बातें तो होती रहेगी क्रिकेट। अब धीरे धीरे जितना मैं ऊपर जाते रह रहा हूँ उतनी ज्यादा मोटी बर्फ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग तो ऐसे पूरा ऊपर से घूम के जा रहे हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट से। नौजवान है ना, तो उत्पात तो मचाएंगे हल्का सा। मैंने इसको बोला था भाई छाता ले जाने की क्या जरूरत है, छाता लेके आ रहा है भाई, इतना साफ मौसम हो रहा है देखो, और ये छाता लेके चला है। अब चढ़ाई में ले जानी पड़ी, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था भाई मैं नहीं ले जाऊंगा छाता। एक बार ये बैग टांग ले मेरा, उसके बाद उसका फोन भी लेके भाग जाऊंगा, बट बैग नहीं टांगूंगा। गाइस सब मैंने बैग टांग लिया है, उत्कर्ष पे थोड़ी दया खा दी मैंने, किसी ने अपना ड्रोन उड़ा दिया। यहाँ पर आके तो ऐसा लग रहा है ना, काश हमारे पास भी ड्रोन होता। अरे बस कर रहे यार, कितना ड्रोन दिखाएगा, माना मेरे पास ड्रोन नहीं है। एक टाइम आएगा गाइस, कोई बात नहीं, हम भी ड्रोन खरीदेंगे। अब तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ का सबसे सस्ता व्लॉगर मैं ही हूँ। ये देखो लोगों ने कैसे कैसे गोप्रो लगा रखे, किसी ने बैग में, किसी ने छाती में, कोई ड्रोन उड़ा रहा है, और हम बस चल रहे हैं। गोप्रो में आपका भी आ रहा है, चलो चलो। अंकल मैं भी आ रहा हूँ ना गोप्रो में, डेफिनेटली। ओके अब अच्छा लग रहा है दोस्तों, यस मैं भी गोप्रो में आ रहा हूँ। चंद्रशिला के बारे में उन्होंने बता रखा है, टुंगनाथ से भी ऊपर दोस्तों एक और टेंपल आता है, चंद्रशिला टेंपल, वो उससे भी हाइट पे है, उसके बाद कुछ नहीं है, वो हाईएस्ट है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। अभी पहले टुंगनाथ तो पहुँच जाएँ फिलहाल, उसके बाद चलेंगे चंद्रशिला मंदिर पे। फिलहाल मुझे चलते हुए 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, और जितने ऊपर मैं जा रहा हूँ ना, पहाड़ भी उतने ऊपर होते जा रहे हैं। अभी कुछ ये नहीं पता कि मुझे कितने और ऊपर जाना है, क्योंकि सही बताऊँ तो अभी पहाड़ी की चोटी दिख ही नहीं रही है यहाँ से, जितने ऊपर जाओ पहाड़ और ऊपर होते जा रहे हैं। लगता है वापसी में शाम हो ही जाएगी। ओ गाइस ये देखो कितना लंबा ट्रैक है, शायद यही पहाड़ी की चोटी होने वाली है। बाप रे वो चोटी पे भी लोग गए हुए हैं, और हम लोग देखो कहाँ पे हैं, मैं हूँ यहाँ पर। अभी उस हाईएस्ट पीक पे जाना है दोस्तों। गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ टुंगनाथ पे। ये रहा टुंगनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर। जो लोग अभी ऊपर से आ गए हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशिला नहीं जा सकते जो उससे भी ऊपर है, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है बोल रहे हैं। पर देखते हैं वो रास्ता सबके लिए खतरनाक है या सिर्फ उन्हीं के लिए, हम लोग ट्राई करेंगे जाने का। ये देखो दोस्तों यहाँ पर पानी टपकते टपकते पूरी बर्फ जम गई है ठंड की वजह से। क्या मैं इसको खा सकता हूँ? वाह क्या सीन है। पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसको बनने में, कितना टाइम लगेगा पता नहीं भाई। खचाक अरे दादा रे पागल है क्या दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी ट्रिप में नहीं आना चाहिए जो आपकी ट्रिप को बर्बाद करके। टुंगनाथ मंदिर तो पहुंच गए दोस्तों, पर गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 महीने मंदिर बंद रहता है, इसलिए ये मंदिर भी बंद है, कृपया मंदिर में प्रवेश ना करें, कपाट बंद है। और ये रहा दोस्तों टुंगनाथ का मंदिर, जो कि अभी विंटर्स की वजह से बंद पड़ा हुआ है, और अब मैं जाने वाला हूँ इससे भी ऊंचे मंदिर पे चंद्रशिला, जिसका रास्ता बहुत खतरनाक है, एक पतला रास्ता जिसमें पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है, एक छोटी सी गलती और आदमी सीधे नीचे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक खड़े पहाड़ पे अचानक से मौसम बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। क्या होने वाला है इस मुश्किल भरे आगे के सफर में, देखेंगे हमारे अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अपने अगले व्लॉग में।